हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है हम एयरटेल एक्सट्रीम सेटअप बॉक्स की अनबॉक्सिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो है वीडियो स्ट्रीमिंग सपोर्ट करता है 4K, और इसमें जो है फ्रेंड्स आपको गूगल असिस्टेंट का भी सपोर्ट मिलेगा, और ये पावर्ड है एंड्रॉयड टीवी, यानी कि इसमें एंड्रॉयड 9 है। फ्रेंड्स, इसमें आप इनबिल्ट ऐप के द्वारा नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, G5, यूट्यूब देख सकते हैं, और इसके अलावा जो है गेमिंग ऐप और अदर जो भी आपको ऐप पसंद हो आप इसमें इनबिल्ट चला सकते हैं। फ्रेंड्स, ये है, इसमें जो है क्रोमकास्ट का फंक्शन है जिससे आप अपनी फेवरेट मूवीज शो देख सकते हैं। इसमें जो है फ्रेंड्स 5000 से भी ज्यादा एप्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, पर इसमें सिर्फ इंटरनल मेमोरी जो है 8GB की है, तो आप ज्यादा एप्स इसमें नहीं डाउनलोड कर पाओगे। फ्रेंड्स, आप इसमें जो है अगर आपके पास 4A का चैनल है वो आप देख पाएंगे, नहीं तो आप YouTube है या Netflix में 4K कंटेंट आसानी से देख पाएंगे। वॉइस कमांड के द्वारा कंटेंट को आसानी से सर्च कर सकते हैं, और फ्रेंड्स आप चाहो तो अपने स्मार्टफोन के द्वारा भी, स्मार्ट ऐप के द्वारा भी रिमोट कंट्रोल का फंक्शन यूज कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, इसमें जो है डोल्बी ऑडियो है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको अब हम खोल कर देखते हैं। तो ये हमें 4000 रुपए का पड़ रहा है, और अगर आप के पास एयरटेल का पहला सेटअप बॉक्स है तो फिर आपको 2200 का। बॉक्स के अंदर हमें क्या मिलेगा? ये हमारा तीसरा एयरटेल का एक्सट्रीम सेटअप बॉक्स है। अब तो टाटा स्काई का भी बिंगो सेटअप बॉक्स आ गया जो सेम फंक्शन के साथ है। ये हमारा जो है कह सकते हैं हमारा एयरटेल का एक्सट्रीम सेटअप बॉक्स है। 5 वाट का DC अडेप्टर होना चाहिए, और ये इसका स्पेशल रिमोट है, और रिमोट के साथ जो है आपको फ्रेंड्स सेल भी मिल रहे हैं। और आप ये देखिए Netflix, YouTube, Prime Video का हॉट बटन इसमें दिया गया, और ये होम बटन है, तो इसके हम अलग से फंक्शन देखेंगे। और ये इसकी सेल वगैरह ये डाल दें, और इसके साथ जो है फ्रेंड्स आपको एक HDMI केबल भी मिलेगी। इसके अंदर जो है आपकी एक HDMI केबल है, नॉर्मल सेटअप बॉक्स के साथ जो है AV केबल है, ये हमने इसमें सेल डाल दी है। तो जब तक ये सेल डाल रहे हैं तब तक आप इसके देखिए पीछे पोर्ट्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर तो आपका डिश एंटीना से जो केबल आ रही है वो लगेगी। अगर आपका टीवी CRT है तो आप AV से लगा सकते हैं AV पोर्ट के द्वारा, और फ्रेंड्स यहाँ पर आपका HDMI पोर्ट लगेगा। ये USB पोर्ट दिया है जिससे आप जो है फ्रेंड्स USB डिवाइस लगा सकते हैं, जैसे USB वाला आपका कीबोर्ड आता है या USB वाला स्मार्ट रिमोट आते हैं वो आप लगा सकते हैं। ये इथरनेट है जिससे आप इसमें LAN के द्वारा भी इंटरनेट डाल सकेंगे या इंटरनेट कनेक्शन दे पाएंगे। और ये जो है हमारा लास्ट में जो है DC इन लिखा हुआ है, इस पे जो है हमारा अडैप्टर लगेगा। तो चलिए इसको हम सेटअप करते हैं। फिर फ्रेंड, इसको लगाने से पहले जो है आपका अगर दूसरा सेटअप बॉक्स लग रहा है जैसे दूरदर्शन फ्री या टाटा स्काई, तो उसके हिसाब से आपको अपनी छतरी की डायरेक्शन भी चेंज करनी पड़ेगी। और ये हमारी पुरानी जो है फ्री डिश का जो है सेटअप बॉक्स है, तो हम इसमें जो केबल लगा रहे हैं, DC अडैप्टर हमने लगाया, और ये हमने कनेक्शन दे दिया। और ये देखिए फिर हमने कहां पर अपने सेटअप बॉक्स की ये लगानी है, जो डिश एंटीना की जो तार आ रही है पीछे से, तो जैसे हमने फिट कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये हमारी जो है दूरदर्शन की जो है फ्री डिश का हम जो है डायरेक्शन बदल रहे हैं एयरटेल की जो सैटेलाइट है उसकी तरफ, तो देखते हैं। तो इनकी जो है डायरेक्शन एक स्पेसिफिक एंगल पे सेट होती है, तो उसी दिशा में हमने करना होता है। फिर जो है हम एक डिवाइस यूज करते हैं जो कि है सैटेलाइट फाइंडर, तो उसमें दो प्रकार के आते हैं, एक एनालॉग एक डिजिटल, या उसमें डिजिटल में भी एक सिंपल और एक प्रोफेशनल। ये देखिए जो हमारा सैटेलाइट फाइंडर है उसकी हम तार लगा रहे हैं हम अपने LNP में, और ये हमारा जो है बताएगा, तो इसको जो पावर है बिना उसके ले लेता है क्या सेटअप बॉक्स के डायरेक्ट? तो इसके अंदर इनबिल्ट बैटरी होती है, तो ये इन्होंने रख दिया है। और ये सिग्नल ये बता रहा है क्या, ये 0-0 दिखा रहा है जो, और आप ये देख सकते हैं ये सैटेलाइट की रीडिंग आ रही है इसमें। और इधर जो है ये कैसे सेट करते हैं, 68 सेट भी होगी क्या भाई साहब? 68 ही करोगे? 71 हो गई है। ये देखिए ये एंगल सेट किया है इन्होंने, इनको बहुत ही ज्यादा परफेक्ट हो गए हैं कि
सिर्फ 2 मिनट में ही इन्होंने ढीले हाथ से ही मतलब अंदाजा करके सेट कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया। और आप वीडियो में देख सकते हैं कि क्या डायरेक्शन है, और नहीं तो एयरटेल की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। और आप यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पर हमारी ये रीडिंग आ रही है, और ये फिर थोड़ी सी 66 थोड़ा बहुत मिल रहा है, शायद थोड़ा बहुत और हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम वीडियो के नीचे जो है सैटेलाइट मीटर का भी लिंक डाल देंगे, तो ये आपको ऑनलाइन प्रोफेशनल वाला 3,000 रुपये के आसपास मिलेगा। फ्रिक्वेंसी पहले से ही ऐड होती है या खुद करनी पड़ती है? अच्छा, ऐड होती है। तो सैटेलाइट फ्रिक्वेंसी तो चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम? अच्छा, नहीं होती। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब जो है हम ये अपना जो LNP जो हमारा जो कैमरा आप कह सकते हैं, डिश कैमरा आप कह सकते हैं, इसको हमने टाइट कर दिया है। इसको आप जरूर टाइट करें, और जो हमारी सेटअप बॉक्स से जो तार आ रही है वो हमने लगा दी है। तो जस्ट 4 या 5 मिनट में ही इन्होंने सब कुछ सेट कर दिया है, तो ज़्यादा आपको मौका नहीं मिला होगा इस वीडियो में देखने का। ये इन्होंने तार लगा दी है, और अब जो हम नीचे जाएंगे अपने सेटअप बॉक्स को देखेंगे कि हमारे सिग्नल कितने आ रहे हैं। और जब भी आप छतरी को लगाएं तो बहुत टाइटली लगाएं, मतलब आंधी तूफान हवा बारिश सब पड़ता है, तो हवा से जो है ये छतरी बहुत हिलती है, तो ये जो है बहुत टाइट होना चाहिए कि आपकी छतरी हिले नहीं। आप चाहो तो जैसे हमने छत पे लगा रखा है, मतलब स्टैंड बनवाया आप 400-500 का, फिर ऊपर छतरी लगाते हैं, पर आजकल जो है लोग क्या करते हैं, दीवार पे ही छतरी फिट करवा देते हैं ड्रिल करके। आप वो तरीका भी अपना सकते हैं। रिमोट है, इसके हम पेयरिंग करें तो ये सेटअप आप आसानी से कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं आएगी। तो ये हमारा नेटवर्क मैं बाद में डालूंगा, स्किप कर देते हैं। तो ये हम जैसे जैसे करते जा रहे हैं, तो इस तरह से जो है हमारा फर्स्ट टाइम जो है एयरटेल एक्सट्रीम सेटअप बॉक्स जो है चलने को तैयार है। इसमें जो है एंड्रॉयड 9 है, तो थोड़ा बहुत स्लो है और कई बार हैंग भी कर जाता है। तो ये हर प्रकार के स्मार्ट एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स में या एंड्रॉयड TV बॉक्स में दिक्कत आती है। तो एक प्रकार का ये हाइब्रिड सेटअप बॉक्स है, मतलब ये सिंपल सेटअप बॉक्स नहीं है। इसमें आप DTH भी देख सकते हैं, और आप इसमें इंटरनेट कंटेंट भी आसानी से देख सकते हैं। तो ये देखिए हमारा ये तैयार हो गया है, और ये कस्टमर ID या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है ये हम सर्विस सेंटर को कॉल करके तो अपने आप ये सेटअप हो जाएगा आधा एक घंटे में। और अब जो हम सिग्नल देख रहे हैं, तो एडवांस सेटिंग में जो है हमें ये जाना है। सिग्नल स्ट्रेंथ जो है हमारी 80 के करीब है, सिग्नल क्वालिटी जो है 40 के करीब है। ये हमारा सेट हो गया, और अब जो है हम इसको एक्टिवेट करवाएंगे सर्विस सेंटर के थ्रू। 10 मीटर जो है तार भी मिल रही है, तो आप जो है अपने सेटअप बॉक्स के साथ जो है डिमांड कर सकते हैं कि आपको जो है तार एक्स्ट्रा देंगे, या आपकी लग गई या ना लगी ये आपको लेनी ही पड़ेगी, आपके चार्जेस में कट जाते हैं। एयरटेल एक्सट्रीम सेटअप बॉक्स जो है फाइनली एक्टिवेट हो गया है। आप ये देखिए, इसमें हम सारे चैनल वगैरह देख सकते हैं। ये एक प्रकार का हाइब्रिड सेटअप बॉक्स है, जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि आप इसमें चाहो तो DTH के द्वारा भी चैनल देख सकते हैं। अगर आपका मन कर रहा है कि भैया YouTube देखना है, तो जस्ट आपने YouTube दबाया और ये हमारा YouTube आ गया। तो जैसे हम प्राइम का बटन दबाएंगे तो Amazon Prime आ जाएगा। तो इसमें 3 बटन है, आप चाहो तो ऐप सेक्शन में जाकर, जैसे हम ऐप सेक्शन में जाते हैं, ये हमने होम बटन दबा दिया, और ऊपर आप ये देखिए ये हमारा एप्स एंड गेम्स सेक्शन है। इसमें जो है आप अपने मन मुताबिक कोई भी एप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ये हमारा गूगल प्ले स्टोर है, इसमें जाएंगे तो आपको अपनी इच्छा अनुसार जौन सी ऐप चाहिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक बात आप ध्यान रखना, इसमें आप सिर्फ 8 GB की इंटरनल मेमोरी है, यानी कि आप जो है हल्की या छोटी एप्स को ही डाउनलोड करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप ज्यादा बड़ी बड़ी ऐप डालोगे तो इसकी इंटरनल मेमोरी भर जाएगी। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो है टाटा बिंगो सेटअप बॉक्स भी आ गया है, पर इसमें और उसमें एक फर्क है कि इसमें एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। मतलब होता क्या है, अगर आप जैसे आप ये देखेंगे टाटा बिंगो में जो है 250 रुपए लगते हैं, उसमें जो है नेटफ्लिक्स को छोड़कर मतलब 6 सर्विस है, 6 या 7
जिसमें प्राइम वीडियो है, G5 है, सोनी लिव है और एक हॉटस्टार है। तो ये 5-6 का उन्होंने पैक बना रखा है कि वो मंथली आपको रिचार्ज करते हैं 250 रुपए में। तो उससे बेहतर ये एयरटेल का है क्योंकि इसमें आपको सिर्फ सेटअप बॉक्स के ही पैसे भरने पड़ते हैं। मतलब अगर आपका बैलेंस लो हो जाएगा तो फिर जो है ये आप इंटरनेट वाले ऐप भी नहीं चला पाएंगे। धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं। तो ये हमारा जो चैनल है सुखदेव तनेजा, इसके नीचे आप रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको आपने जस्ट टच करना है। तो ये हमारा चैनल सब्सक्राइब हो गया। अगर आप हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट चाहते हैं अपने मोबाइल या टेबलेट पे, तो ये बेल वाला आइकन है, इसको आपने टच करना है। तो आप जो है सारे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर या टेबलेट पर आएंगे।